अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अख्तर, हाशमी स्पोकन इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर, और आपको घर बैठे इंग्लिश सिखा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स, मैं कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आता हूं। आज भी मॉडल वर्ब एक रह गया था, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वुड जो सा है, ये मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आता है। आज हम सीखेंगे कि वुड का इंग्लिश में किस तरह इस्तेमाल होता है और इसके मैक्सिमम कितने पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं जिसके जरिए हम वुड का इस्तेमाल सही तरह से सीख सकें। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसको मैंने डिजाइन कैसे किया है और किस तरह इन फार्मूलों को लिखा है। आपका काम यह है कि एक फार्मूला अगर आप सुनते हैं तो उसको आप लिख लीजिए और उसके नीचे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं कि इसका सबसे पहला फार्मूला मैंने कैसे सेट किया है। सबसे पहले है सब्जेक्ट और वुड बी। सब्जेक्ट के बाद फौरी वुड बी। सब्जेक्ट से मुराद है आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये कोई कॉन्सेप्ट या कोई नाउन, कोई भी सब्जेक्ट, उसके बाद वुड बी और उसके बाद नाउन। मैं कहता हूं कि ही वुड बी तौकीर, ही वुड बी मैनेजर, इसका मतलब है कि वो मैनेजर होगा। फिर एक बात बताता चलूं यहां पे कि वुड जोन सा है ये गागेगी की सेंस है, ये विल की सेकंड फॉर्म है, मगर ये जोन सा है ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज हो रहा है। अगर हम माजी में फ्यूचर की कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर भी वुड वहां तो वुड लगला ही लगला नेचुरली, मगर प्रेजेंट में भी यूज होता है, जैसे प्रेजेंट फ्यूचर के लिए। मैं कहता हूं कि ही वुड बी तौकीर, वो तौकीर होगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते होते हैं, ही वुड बी अ मैनेजर, ही वुड बी अ डॉक्टर, ही वुड बी अ टीचर, ही वुड बी अ नाइस पर्सन, ये हमारा एडजेक्टिव है। नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, कोई भी खूबी हो या खामी हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव होता है। मैं कहता हूं ही वुड बी अ नाइस बॉय, ही वुड बी अ हैंडसम पर्सन, शी वुड बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक इंटेलिजेंट लड़की होगी। तो हम इसको वुड लगाएं तो ये प्रेजेंट की सेंस भी देगा और पास्ट की सेंस भी देगा, ठीक है, दोनों तरह हम यूज कर सकते हैं स्पोकन में खास तौर पे। आगे है हमारा प्रेपोजिशन प्लेस, जैसे मैं कहता हूं कि शी वुड बी इन लाहौर, शी वुड बी इन अमेरिका, शी वुड बी इन क्लासरूम, दे वुड बी इन प्लेग्राउंड, ये हमारा वुड का इस्तेमाल है प्रेपोजिशन और प्लेस के साथ। इसके बाद कोई आइडिया भी हो सकता है, जैसे ही वुड बी इन डेंजर, वो डेंजर में होगा, ही वुड बी इन फियर, ही वुड बी इन टेंशन, वो टेंशन में होगा। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम जो सा है वो वुड का यूज करते हैं। आप भी इस फार्मूले को लिख लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है। जैसे मैं कहता हूं ही वुड गो टू लाहौर, वो लाहौर जाएगा, पास्ट में इसकी सेंस भी है और प्रेजेंट में। मैं सिंपल अगर आम स्पोकन में बोल दूं ही वुड गो टू लाहौर तो सिंपल ये है कि वो लाहौर जाएगा, और अगर मैं ऐसे कह रहा हूं कि ही सेड ही वुड गो टू लाहौर तो ये फिर सारा पास्ट में कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि पीछे सेड लग गया है, सेड भी सेकंड फॉर्म है और विल की सेकंड फॉर्म वुड है। जैसे मैं कहता हूं शी सेड आई शी वुड स्टे हियर, उसने कहा कि वो यहीं रुकेगी, ठीक है ना। तो ये जो है ये माजी में सेंटेंस बनाया, मगर सिंपल हम कहते रहते हैं। जैसे मैं कहता हूं वुड यू स्टे हियर, सवाल भी हम मुख्तलिफ किस्म के करते हैं तो वो इसी में आते हैं, वुड यू ईट दिस, वुड यू टेक दिस, वुड यू गेट दिस, सवालिया हम इस तरह के फिक्रे बनाते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू स्टे हियर, वुड यू स्टे हियर, वुड यू कम हियर, वुड यू ज्वाइन दिस क्लास, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम वुड के साथ डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट देते हैं। जैसे वुड यू ईट दिस मैंगो, Would you eat this apple? Would you cook this food? और you would cook this food, ये जो सा है सिंपल है कि तुम ये खाना पकाओगे, और would you cook this food, क्या ये तुम खाना पकाओगे, would you not cook this food, और क्या तुम खाना नहीं पकाओगे, negative sentences भी हम not की help से लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, first form हमारी लग गई, उसके बाद हमने क्या करना है कि first form जो भी होती है उसका हमेशा जहाँ action verb हो वहां उसका passive जरूर बनता होता है। जैसे मैं कहता हूं कि He would play cricket, वो क्रिकेट खेलेगा, और क्रिकेट वुड बी प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उससे खेला जाएगा। He would join this class, और this class would be joined by him. वही फार्मूला है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बना देना है वुड भी लगा के, थर्ड फॉर्म पैसिव में लगती है हमेशा और बाय के साथ सब्जेक्ट हम उल्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है कि ये पैसिव बन जाता है। जैसे कि पीछे मैंने तमाम लेक्चर्स में पैसिव का रूल समझाया था उसी को फॉलो करते हुए, He would She would cook food और food would be cooked by her. Simple सा formula है। यही इसी rule को अपनाते हुए नीचे sentence subject change करते जाएं तो आपके पैसे बनते जाएंगे। इसके बाद हमारा formula है subject plus would है plus third form और plus object। ये क्या है?
पहले इस सेंटेंस को एक दफा और देखते हैं कि ये माजी में भी इस्तेमाल होता है. मसलन मैं कहता हूं कि इन माय चाइल्डहुड आई वुड गो टू लाहौर. इसका मतलब ये बनता है इस सेंटेंस का कि बचपन में मैं लाहौर जाया करता था. ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मसलन आफ्टर टेकिंग बाथ आई वुड गो टू स्लीप, कि मैं नहाने के बाद सोया करता था. इस तरह की फिक्रों के लिए भी, करता था के लिए भी हम ये जुमसा है वुड यूज कर सकते हैं. ये बात याद रखिएगा, कुछ सेंटेंसेस में वुड ऐसी सेंस देता है कि मैं ये काम किया करता था. जैसे इन माय चाइल्डहुड आई वुड गो टू स्कूल, यानी बचपन में मैं लाहौर जाया करता था. ये एक्सप्रेशन भी आपने जहन में रखना है. अच्छा, इसके बाद हम चल रहे हैं तीसरे फॉर्म पे कि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे. मैं कहता हूं कि शी वुड हैव कुक्ड फूड. शी वुड हैव कुक्ड फूड का मतलब है कि वो खाना पका ही लेती. She would have told me, वो मुझे बता ही देती. You would have informed me, तुम मुझे इतला ही दे देते. You would have called him, तुम उसे बुला ही लेते. इस तरह की फिक्रों के लिए हम would have लगाएंगे और थर्ड फॉर्म देंगे. जैसे You would have read this book, तुम ये किताब ही पढ़ लेते. You would have informed me, तुम मुझे inform ही कर देते. अब इसका passive क्यों बनेगा? क्योंकि would have जहां have के साथ, would के साथ have लगा, तो would have been से इसका passive बन जाएगा. जैसे मैं कहता हूं you would have told me और I would have been told by you. मैं कहता हूं she would have informed me और I would have been informed by her. इसी तरह मैं कहता हूं कि you would have cooked food, तुम खाना ही पका लेती. और food would have been cooked by you, खाना ही तुमसे पक जाता. इस तरह के फिक्रों के लिए हम इसका पैसिव भी बना सकते हैं. करना क्या है कि आप इन सेंटेंसेस को साथ साथ लिख के नीचे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब चेंज करते जाएं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. अच्छा, इसके बाद हमारा क्या है चौथा, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू. लाइक टू इंग्लिश में एक रूल है कि जहां भी टू आ जाता है उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. वुड का एक ये भी पैटर्न है कि ये लाइक टू को यूज करता है. जैसे आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा. वुड लाइक टू का मतलब है चाहूंगा. याद रखिएगा कि इसका सेंटेंस है चाहूंगा. जैसे मैं लेक्चर शुरू करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई लेक्चर. ये देखिए, आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई लेक्चर. आई वुड लाइक टू कॉल हिम हेयर, मैं उसे यहां बुलाना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू फिनिश दिस वर्क, मैं ये काम खत्म करना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू स्टे इन लाहौर, मैं लाहौर में रहना चाहूंगा. चाहूंगा वाले फिक्रों में वुड लाइक टू लगना है, ये भी फॉर्मूला है. और आई वुड लाइक टू स्टे हियर, आई वुड लाइक टू स्लीप नाउ, मैं अब सोना चाहूंगा. ठीक है, इस तरह के फिक्रों के लिए वुड लाइक यू. इसके बाद हमारा एक और फिक्रा है, सब्जेक्ट प्लस हैड होप्ड दैट. ये ऐसे ही लगेगा, आगे इसमें सिर्फ चेंज आएगी. कोई भी सब्जेक्ट दे दें, वर्ब कोई भी दे दें और ऑब्जेक्ट दे दें. जैसे मैं कहता हूं कि आई हैड होप दैट शी वुड टीच मी, मैंने ये उम्मीद लगा रखी थी कि वो मुझे पढ़ाएगी. आई हैड होप दैट ही वुड कम हियर, मैंने ये उम्मीद लगा रखी थी कि वो यहां आएगा. शी हैड होप दैट आई वुड टीच हर. She had hoped that I would teach her. उसने ये उम्मीद लगा रखी थी कि मैं उसको पढ़ाऊंगा. अच्छा, they had hoped that I would invite them. उन्होंने ये उम्मीद लगा रखी थी कि मैं उन्हें इनवाइट करूंगा. इस तरह की फिक्रों के लिए हमने ये फार्मूला लगाना है. आप भी इसके मुख्तलिफ यहां सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चेंज कीजिए और यहां कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए तो आपके सेंटेंसेस बनते रहेंगे. जैसे एक दो एग्जाम्पल्स और देना चाहूंगा. जैसे she had hoped that I would call her here. उसने ये उम्मीद लगा रखी थी कि मैं उसे यहां बुलाऊंगा. इसी तरह I had hoped that my friend will support me या my friend would support me. Sorry, would लगना था यहां. I had hoped, जहां भी लगे आगे would लगना है. I had hoped that she would support me. मैंने ये उम्मीद लगा रखी थी कि वो मुझे support करेगी. अच्छा, इसके बाद हमारा एक और फिक्रा है, वुड रादर का यूज आपने देखा होगा. ये होता है ऑप्शंस के लिए. जहां वुड रादर का लफ्ज आ जाए ना, ये वुड रादर, इसका मतलब है क्योंकि ऑप्शन है. इसकी मिसालें हम लेते हैं. जैसे मैं कहता हूं कि वुड यू लाइक टू टेक टी और कोक. मैंने अब ऑप्शन दिया है अगले बंदे को कि आप चाय पीना पसंद करेंगे या कोक की बोतल. तो आगे से उसने ऑप्शन में कहना है कि आई वुड रादर टेक कोक, यानी मैं तो
कोक ही पीऊंगा. वुड रादर का मतलब है किसी चीज पे जोर देना, किसी चीज को तरजीह देना, किसी चीज को प्रेफर करना. जैसे मैं कहता हूं कि वुड यू लाइक टू स्टे हियर और गो आउटसाइड, आप यहां ठहरना चाहेंगे या बाहर जाना चाहेंगे. तो आगे इसका जवाब होगा आई वुड रादर स्टे हियर, मैं तो यहीं ठहरना चाहूंगा. और इसकी एक दो एग्जांपल्स देते हैं. वुड यू लाइक टू टेक पिज्जा और शवारमा, आप शवारमा लेना चाहेंगे या पिज्जा लेना चाहेंगे. तो आपके पास ऑप्शन है आई वुड रादर टेक शवारमा, मैं तो शवारमा ही लूंगा. ये है हमारा लास्ट पैटर्न. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है, कहीं से भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मेरे पेज पे कमेंट्स कर सकते हैं उसकी वजाहत के लिए. मैं इन लेक्चर्स की वजाहत करने के लिए तैयार हूं और आपको घर बैठे टीच करने के लिए तैयार हूं. मैंने ये जिम्मा लिया हुआ है. बहुत से लोग जो उनसे हैं, खासतौर पर देहातों में जो बैठे हुए हैं, पशौर वाली साइड पे, फाटा वाली साइड पे, बलोचिस्तान वाली साइड पे, जहां अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाते, ठीक है ना, बच्चों को सीधा सीधा टेंसेस का रट्टा लगवाते हैं, उनके लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए अपना मेरा लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये पैटर्न्स जो उनसे हैं हर बंदे तक पहुंच सके, हर उस स्टूडेंट तक पहुंच सके जिनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं. तो प्लीज इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और हर स्टूडेंट तक इन लेक्चर्स को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो सी है सेल्फ राइटिंग इंप्रूव हो आपकी, और बोलने में भी आपके पैटर्न्स और आपको पता हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ. बोलने में स्पोकन इंग्लिश में भी ये आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी राइटिंग में भी ये आपको सपोर्ट करेंगे. यहां से नवीद अख्तर हाशमी को इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नए लेक्चर लेके हाजिर होऊंगा. बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.